धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र है। ऐसे में झांसी ने सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल पेश की है। यहाँ के एक मंदिर और मस्जिद में स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार लिए हैं। मंदिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम ने खुद आगे बढ़कर ये काम किया है। इस प्रयास की हर जगह सराहना हो रही है। मंदिर के महंत श्याम मोहनदास ने कहा है कि मंदिर में नियमित रूप से सुबह शाम आरती और भजन कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन अब लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। शांति के साथ सभी धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। देश में जो शोर शराबा चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया और ठाकुर जी की कृपा, इसमें हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। ये मैंने लाउडस्पीकर उतरवाए, क्योंकि बगल में मस्जिद है, देखते हुए उन्होंने भी लाउडस्पीकर निकलवा दिए। और भक्ति भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउडस्पीकर से होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। और देश हित में देखते हुए ऐसा किया। जय श्री। वहीं मस्जिद के हाफिज मोहम्मद ताज आलम ने कहा है कि मस्जिद में पिछले कई सालों से दो लाउडस्पीकर लगे हुए थे, जिन्हें उतार दिया गया है। पांचों वक्त की नमाज अब लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए बगैर की जा रही है। जैसे कि माहौल चल रहा है देश में, और उस चीज़ को देखते हुए भी कि लाउडस्पीकर के बारे में तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, तो यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउडस्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई, मस्जिद में भी जो लाउडस्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है, आपसी सौहार्द और सद्भाव जो बना हुआ है, वो आपसी तालमेल बना रहे। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अपना हर तरह से अमन व अमान कायम रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। इससे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउडस्पीकर की आवाज़ कम कर दिए जाने के बाद उससे सटे ईदगाह में भी बीते शुक्रवार को नमाज के दौरान लाउडस्पीकर नहीं बजाए गए। सभी धर्मस्थलों और लाउडस्पीकर उसी परिसर में बजाए जाने के अनुरोध के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। बीते शुक्रवार को नमाज के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह में नमाजियों ने बिना माइक के ही नमाज पढ़ी थी।